पिछले साल से शुरू हुई रूस यूक्रेन की जंग नए साल में भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन लगता अब यह है कि पुतिन के कमांडर ने एक नई कसम खाई है। पुतिन के वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने परमाणु युद्ध की धमकी देकर अब पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 11 महीनों से चल रही इस जंग में कादिरव के लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहे हैं। पुतिन के वफादार और चेचक कमांडर रमजान कादिरव ने परमाणु युद्ध की धमकी देकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 11 महीने से चल रही जंग में कादिरव के लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहे हैं। पुतिन के वफादार की परमाणु धमकी, कादिरव ने बजाया परमाणु बिगुल, क्या पुतिन ने तय कर दिया विश्व युद्ध? इस वक्त कादिरव के बेरहम लड़ाके पूर्वी यूक्रेन यानी डॉनबास के इलाकों में कब्जा जमाने में जुटे हैं, लेकिन इस बीच कादिरव के एक बयान से पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि पुतिन के इस वफादार ने एक बार फिर परमाणु हमला करने की धमकी दे दी। अपने इस बयान के जरिए रमजान कादिरव ने यह भी साफ कर दिया कि अगर जंग में रूस हारने की कगार पर पहुंचा तो पुतिन परमाणु बम का बटन दबाने में देर नहीं करेंगे। मतलब ये कि यूक्रेन युद्ध कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब कादिरव ने परमाणु हमले की धमकी दी है। इससे पहले उन्होंने जंग खत्म करने के लिए यूक्रेन पर एटम बम गिराने की सलाह दी थी, और पुतिन से एक छोटा परमाणु बम यूक्रेन की किसी भी शहर पर दागने की अपील की थी, ताकि जेलेंस्की को एक तगड़ा झटका लगे और वो रूस के सामने घुटने टेक दे। हालांकि कादिरव के आका पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी। उस वक्त ये भी दावा किया गया था कि पुतिन के बात नहीं मानने से कादिरव खासे नाराज हुए थे, और उन्होंने ये तक कह दिया था कि रूस की सेना ऐसे लड़ रही है मानो वो जंग जीतना ही नहीं चाहती। कादिरव का मानना है कि जंग जीतने के लिए ऐसा हमला होना चाहिए जैसा दुनिया ने देखा भी ना हो, और इसके लिए कादिरव ने रूसी सेना को पूरी ताकत से हमला करने की नसीहत दे दी, और इसके साथ ही उन्होंने पुतिन से अपने लड़ाकों को युद्ध में खुली छूट देने की भी अपील की, ताकि महीनों से चल रही जंग को जल्द खत्म किया जा सके। मतलब ये कि कादिरव पुतिन के लिए हर हाल में यूक्रेन जंग जीतना चाहते हैं, और इसके लिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। यही वजह है कि उन्होंने कुछ महीने पहले 3 नाबालिग बेटों को भी जंग में उतार दिया था, जिनका यूक्रेन की सेना से लड़ने का एक वीडियो खुद कादिरव ने जारी किया था, जिसमें उनके 3 बेटे जंग के मैदान में खतरनाक हथियार से लड़ते हुए नजर आए थे। इसके बाद उनके बेटों के कई वीडियो सामने आए, जिनमें वे बेरहम लड़ाकों की तरह यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करते दिखाई दिए थे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कादिरव जंग लंबी खींचने से परेशान हो चुके हैं, और इसलिए वो बार बार परमाणु युद्ध की धमकी देकर पुतिन को उकसाने में लगे हैं, ताकि यूक्रेन पर एटम बम गिराकर जंग खत्म की जा सके। अब लगता यह है कि इस युद्ध में सहयोगी भी सीधे डायरेक्ट लड़ाई के मूड में नजर आने लगे हैं। बिल्कुल, रूस यूक्रेन जंग के बीच एक बड़ा दावा सामने आया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के जनरल्स ने यूक्रेन पोलैंड सीमा में एक सीक्रेट जगह पर खुफिया मीटिंग की है। बताया ये भी गया कि इस खुफिया मीटिंग में अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल मार्क और यूक्रेनी सेना चीफ जनरल वालेरी जालुजनी की मुलाकात हुई है। गुप्त जगह पर हुई इस मीटिंग में सोलेदार पर रूस का कब्जा और निप्रो में रूस के घातक मिसाइल हमलों पर काफी विस्तार से बातचीत हुई है। क्या अगले 72 घंटे में रूस कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी खबर से यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के होश उड़ गए हैं? क्या पश्चिम देशों के खुफिया एजेंसियों के दावे फेल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया गया था कि रूस के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है?
क्या राष्ट्रपति पुतिन रूस के स्पेशल ऑपरेशन से मार्च 2023 तक पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे? लगभग 11 महीने से चल रही जंग में क्या अब रूस युद्धपोत और पनडुब्बियों को तबाह करने वाली मिसाइलों से यूक्रेन पर खौफनाक हमले कर रहा है? आखिर जंग में अब ऐसा क्या हो रहा है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि अगर यूक्रेन जंग में हारा तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा?